लोग टेरिटोरियल आर्मी या फिर आप टीए भर्ती कह लीजिए अगर इसका इंतजार कर रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि ये भर्ती आने वाली है तो ये वीडियो कंप्लीट दिखिएगा दोस्तों, क्योंकि आज की वीडियो को देखने के बाद शायद आप इस भर्ती का इंतजार नहीं करेंगे। दोस्तों मेरा नाम साजन कुमार है और आप सबको मेरी तरफ से नमस्कार है, सत श्री अकाल है और आदाब अर्जे है। दोस्तों आप लोगों को बताना चाहूंगा जो वैकेंसी आती है वो आपस में इंटरलिंक होती है एक ना एक वैकेंसी के साथ। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाता हूँ कि ये इंटरलिंक होता क्या है। देखिए डिपार्टमेंट जो होता है एक शेड्यूल वाइज वैकेंसी निकालता है, जैसे कि आप लोग देखते हैं इंडियन नेवी में क्या होता है कि अगर सेलर की एंट्री आती है तो उसी के बाद एमआर की एंट्री आ जाती है, एमआर की एंट्री आती है तो उसके बाद आपकी जो आर्टिफिशियल ग्रेजुएशन के बेसिस पे जो पोस्ट होती है बीटेक वालों की वो आ जाती है। इसी तरह से इंडियन आर्मी अगर मैं कह लूं टेरिटोरियल आर्मी की वैकेंसी की अगर हम बात करें जो कि 10th पास शेड्यूल होता है दोस्तों ये अगस्त में आता है, बट इसका शेड्यूल भी एक पोस्ट के साथ इंटरलिंक करता है जो कि पोस्ट है ग्रेजुएशन बेस। दोस्तों जो टेरिटोरियल आर्मी की ग्रेजुएशन बेसिस पे एंट्री होती है वो जून के मंथ में वैकेंसी आती है, बट इस बार ये जून में नहीं आई है और अब सितंबर होने को आ गया है। जैसे ही जून में ये वैकेंसी आती थी उसके बाद एक महीने के बाद तकरीबन जो थी हमारी 10th बार शेड्यूल जो होता था पीडीएफ वो जो थी नोटिफिकेशन उसकी आ जाती थी, बट इस बार ऐसा नहीं हुआ है। तो जब तक पिछली वाली नहीं निकलती है आगे वाले आने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। और आप लोगों को मैं कुछ जरूरी बातें और भी बता दूं, काफी सारे कैंडिडेट हैं हमारे सब्सक्राइबर हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं फैमिली मेंबर कहना चाहूंगा, जिनके रिलेटिव थे कुछ फ्रेंड्स थे टीए की भर्ती में जाने की जो ज्वाइन कर चुके हैं, उन्होंने उनसे भी पूछा था और मुझे कॉल करके ये चीज बताई भी थी कि वो लोग कह रहे हैं कि इस पे स्टे लगा हुआ है, ये भर्ती रोकी गई है। दोस्तों ऐसा हो सकता है, मुझे भी इस पे ट्रस्ट होने लगा है, क्योंकि देखिए जब तक रिक्रूटमेंट की जरूरत नहीं है तब तक टेरिटोरियल आर्मी वाले आपको रिक्रूट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे कितने ही लोग जो है तकरीबन जो है रोज रिटायर्ड हो रहे हैं कि आप लोगों को ये बुलाएंगे, तो इस बेसिस पे मुझे भी लग रहा है कि शायद टीएर की भर्ती जो है इस साल आने के चांसेस नहीं है। हो सकता है नेक्स्ट ईयर जून में जैसे ही ग्रेजुएशन की आई तो उसके बाद ये वैकेंसी आ जाए, या फिर आप लोगों ने जैसे देखा कि एसएससी जीडी में भी 2 साल लग गए वैकेंसी को आने में, इसी तरह से दोस्तों हो सकता है टेरिटोरियल आर्मी में भी यही चीज का जो है इशू क्रिएट हो जाए, रिक्रूटमेंट होगी तो ही तो ये आगे रिक्रूटमेंट निकालेंगे। तो आप लोगों को पता है टेरिटोरियल आर्मी का इतना काम तो होता नहीं है, तो इसीलिए मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा प्लीज आप इसका इंतजार ना करें, जब वैकेंसी आती है डेफिनेटली अप्लाई करें, आप हमेशा तैयार रहें, लेकिन एक नाव पे चलना एक मतलब सहारे को लेकर चलना गलत बात है, अपने लिए कुछ और भी सोच कर रखिए, इससे भी बेटर सोच के रखिए ताकि अगर ये वैकेंसी ना भी आए तो आप कम से कम उसके लिए तो अप्लाई कर सकें, ये ना बोले कि मैं इसका ही इंतजार करता रहा। आज की वीडियो में यहीं पे खत्म करता हूँ, जितना मुझे बताना था जितना मुझे पता था मैं बता चुका हूँ। अगर आपको कोई नॉलेज है आपके पास एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है तो आप जरूर कमेंट करके बताइएगा, मैं कोशिश करूंगा आपके कमेंट को अगली वीडियो में लेने के लिए। दोस्तों आज की वीडियो का टॉपिक हम यहीं पे खत्म करते हैं, इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कीजिएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, समझ आया क्या।